प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आज हम बात करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया के 10वें अध्याय की, जिसका नाम है संकेत यंत्र। हमारा जीवन संकेत यंत्रों के बिना अधूरा है, क्योंकि हम अपने दैनिक कार्यों में संकेत यंत्रों का बहुत उपयोग करते हैं। दुनिया का पहला संकेत यंत्र सेमाफोर है, जिसका आविष्कार लगभग 200 वर्ष पहले हुआ। एक फ्रांसीसी ने मनुष्य की बाजू की विभिन्न स्थितियों से विभिन्न वर्णों की संकेत पद्धति तैयार की थी। रेल सिग्नल का जन्म भी सेमाफोर से ही हुआ था। बिजली का प्रयोग शुरू हो जाने पर इस संकेत यंत्र को 3 रंगों की ट्रैफिक लाइट का रूप दे दिया गया। आज भी यातायात के लिए ऐसी ही 3 रंगों की लाइट का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग का अर्थ है रुकना, पीले का अर्थ है तैयार रहना और हरे का अर्थ है चलना। ट्रैफिक पुलिस के लोग अपने हाथों के इशारों से ट्रैफिक का संचालन भी करते हैं। लगभग 150 वर्ष पूर्व बिजली के उपयोग से पहले इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ मशीन का आविष्कार हुआ। सैमुअल मोर्स ने इसके लिए एक पद्धति तैयार की, जिसे मोर्स कोड के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। टेलीफोन एक ऐसा यंत्र है जिसमें बिजली की तारों में मनुष्य की आवाज़ यात्रा करती है। वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने इस यंत्र में सुधार किया, तभी से टेलीफोन यंत्र प्रसिद्ध हुआ। एडिसन ने ही टेलीफोन पर हेलो करने की प्रथा शुरू की। आज भारत के दूरदराज गांवों में भी हम अपने मित्रों और रिश्तेदारों से टेलीफोन द्वारा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। वर्तमान समय में इस क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई और शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सभी लोगों के हाथों में मोबाइल आ गए हैं, जिससे लोग आपस में आसानी से बातचीत कर सकते हैं। टेलीफोन के विकास से बहुत से अन्य आविष्कार हुए, जैसे फैक्स मशीन। फैक्स मशीन के द्वारा कागज पर लिखित कोई भी संदेश विद्युत संकेतों द्वारा किसी भी दूर के स्थान पर भेजा जा सकता है। उसी स्थान पर लगी फैक्स मशीन इन विद्युत संकेतों को पुनः उसी संदेश की प्रति के रूप में तैयार कर देती है। लगभग 160 साल पहले फ्रांसीसी आविष्कारक लुई डागेर ने पहले कैमरे का आविष्कार किया, लेकिन कैमरे का आम इस्तेमाल 50 साल बाद ही शुरू हुआ। तब अमेरिकी आविष्कारक जॉर्ज ईस्टमैन ने एक ऐसे कैमरे का आविष्कार किया जिसमें फिल्म का रोल प्रयोग किया गया। आज फोटोग्राफ हर जगह इस्तेमाल की जाती है। राशन कार्ड, पासपोर्ट, पहचान पत्र, बस पास, ड्राइविंग लाइसेंस, सभी पर फोटो लगती है। जन्मदिन, शादियों और छुट्टियों के दिनों में भी फोटो खींचे जाते हैं। क्या तुम चित्रों के बिना अपनी पाठ्य पुस्तक की कल्पना कर सकते हो? आजकल कैमरे इतने छोटे हो गए हैं कि किसी छोटे से मोबाइल में भी फिट किए जा सकते हैं, और ऐसे कैमरे भी हैं जिसमें रोल की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर छोटे कंप्यूटर होते हैं। श्रृंखला में ली गई कई फोटो को जोड़कर एक तेज गति से देखने पर फिल्म का रूप ले लेती हैं। पुरानी फिल्मों में ना तो आवाज़ होती थी और ना ही वे फिल्में रंगीन होती थी। वर्ष 1895 में लुमियर भाइयों ने दुनिया की पहली लघु फिल्म फ्रांस की राजधानी पेरिस में दिखाई थी। भारत में दादा साहब फाल्के ने सन 1913 में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। सन 1931 में आर्देशिर ईरानी ने पहली भारतीय बोलने वाली फिल्म आलमारा बनाई। आज दुनिया भर में भारत सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है। 100 वर्षों से भी कम समय में भारतीय फिल्म निर्माताओं ने लगभग 29,000 फिल्में बनाई हैं। आपके घरों में टेलीविजन तो होगा। टेलीविजन एक ऐसी मशीन है
जिसके स्क्रीन पर सीधा प्रसारण या रिकॉर्ड किए गए दृश्यों को दूर दराज स्थानों में भी आवाज सहित देखा जा सकता है। लगभग 70 साल पहले ब्रिटेन के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिसे हम बीबीसी के नाम से जानते हैं, उन्होंने पहली टेलीविजन सेवा शुरू की थी। आज ब्राजील में हो रहा फुटबॉल मैच हो या टोक्यो में ओलंपिक हो, विश्व के किसी भी कोने में बैठकर टेलीविजन पर देखा जा सकता है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत सन 1959 में हुई थी। वर्ष 1982 में रंगीन टेलीविजन आ गए। आज निजी टेलीविजन कंपनियों के पास अपने 24 घंटे के चैनल हैं। हमारे घरों में रेडियो का महत्वपूर्ण स्थान है। रेडियो एक ऐसा यंत्र है जो धनात्मक संदेशों को बिना तारों के प्राप्त कर सकता है। 1927 में भारत में रेडियो का प्रसारण निजी कंपनियों द्वारा शुरू हुआ। शीघ्र ही ब्रिटिश सरकार ने इन ट्रांसमीटर का प्रचलन शुरू कर दिया, जिसे ऑल इंडिया रेडियो कहा जाने लगा। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात AIR को आकाशवाणी का नाम दे दिया गया है। आजकल FM रेडियो मनोरंजक और जानकारी प्रदान करने के लिए अत्यंत लोकप्रिय साधन बन गया है। आज कंप्यूटर संचार के सबसे तीव्र, सस्ते और आधुनिक कुशल यंत्र के रूप में उभरे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, जिसे इंटरनेट कहते हैं, 30 वर्ष पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ हुआ। आज इंटरनेट द्वारा लिखित संदेश, फोटोग्राफ, ध्वनि संदेश और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक ईमेल के द्वारा चलचित्र भी भेजे जा सकते हैं। यदि तुम्हारे घर के पास कोई साइबर कैफे या इंटरनेट बूथ है, तो तुम वहां जाकर देख सकते हो कि लोग कैसे संदेश भेजते हैं या प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप संकेत यंत्र के बारे में जान चुके हो। अब आप हमें यह बताओ कि आप अपने घरों में कौन कौन से संकेत यंत्र देखते हो और उनके क्या क्या उपयोग करते हो। चलो मिलते हैं अगली कक्षा में।